जो तो सर, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर में हम पीजीपीपी के प्रोविजंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक कि एक बार क्या पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन मैं आप सभी को दे देता हूँ। पीजीपीपी मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करवाया जा रहा हूँ ताकि आप क्या कर सकें, इस प्रोविजन को बहुत अच्छे से पढ़ सकें। यस, पीजीपीपी के अब हम लोग लगभग लगभग एंड पे आ गए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करें, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो रहा है क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करें ताकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए कि यू नो नंबर ऑफ चैप्टर्स को आप रिवाइज कर सकें। सबसे पहले हम लोगों ने 213 पढ़ा था, बिजनेस इंक्लूड ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। फिर हमने 236 पढ़ा था जो कवर कर रहा था प्रोफेशन की डेफिनेशन को, विच इंक्लूड्स वोकेशन। फिर सेक्शन 28 था, दैट वॉज टॉकिंग अबाउट चार्जिंग सेक्शन, क्या आपको याद आ रहा है? तो कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल होगी। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 30, एक्सपेंसेज ऑन बिल्डिंग विच इज यूज फॉर बिजनेस पर्पज इज अलाउड एज डिडक्शन। फिर हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर विच इज यूज फॉर बिजनेस पर्पज विल बी अलाउड एज डिडक्शन, राइट। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 32 जो बात कर रहा था डेप्रिसिएशन की। याद करके देखो, असेसी जो होना चाहिए वो डेप्रिसिएशन का ओनर या बेनिफिशियल ओनर होना चाहिए। असेट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। असेट मस्ट बी यूज ड्यूरिंग द बिजनेस। डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ऑन द ब्लॉक ऑफ द असेट। ब्लॉक हमें 211 के अंदर में डिफाइंड था, कितने ब्लॉक थे अगर आपको याद हो तो? चार तरीके के ब्लॉक थे। इंटेंजिबल में गुडविल नहीं आता, राइट। डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ऑन द WDV ऑफ द ब्लॉक। WDV 43(6) के अंदर में डिफाइंड था और प्लांट एंड मशीनरी 43(3) के अंदर में डिफाइंड था। जब WDV निकालते हैं, ओपनिंग WDV एड एक्चुअल कॉस्ट लेस सेल डिस्कार्डेड डिमोलिश ड्यूरिंग द ईयर, और आपका क्या आ जाता है? क्लोजिंग WDV, याद आ रहा है? एक्चुअल कॉस्ट 43(1) के अंदर में लिखा हुआ था। एक्चुअल कॉस्ट जो था ये 43(1) के अंदर में लिखा था। 13 सबसेक्शन थे, राइट, जो आपको एक्चुअल कॉस्ट को डिफाइन करते थे। फिर हमने बात करी थी सेक्शन 50, डेप्रिसिएबल एसेट जब भी सेल होगा जो नेचर ऑफ गेन होगा ये हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि सेक्शन 32(1)(2)(a) दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन की। एडिशनल डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग पावर जनरेटिंग यूनिट को मिलता है जब वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेते हैं, 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। फिर हमने बात करा था 32(1)(2) जो डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट, क्या देखा था हम लोगों ने? डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट SLM या WDV, दो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। फिर हमने देखा था 32(2) अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की बात करी थी हम लोगों ने, जिसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, याद आ रहा है आपको? फिर हमने बात करी थी सेक्शन 35 जो बात करता था साइंटिफिक रिसर्च, इन हाउस रिसर्च, डोनेशन टू अदर। इन हाउस रिसर्च ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम दोनों के अंदर में अवेलेबल था, डोनेशन टू अदर तभी अवेलेबल था व्हेन यू ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम। फिर हमने बात करी थी 35(2)(a)(b) की, जहाँ हमने बात किया था इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च बाय कंपनीज 100% अलाउड एज डिडक्शन। देन हमने बात करी थी 35(c)(c)(c) एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 100% अलाउड एज डिडक्शन, याद आ रहा है आपको? फिर हमने बात करा था 35(c)(c)(d) कंपनी अगर स्किल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करती है 100% अलाउड एज डिडक्शन। फिर हमने बात करी थी 35(c)(c)(a) रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर में आपने कोई भी डोनेशन दिया 100% अलाउड एज डिडक्शन। फिर हमने बात करी थी 35(d) प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर की, याद आ रहा है क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन सिर्फ रेसिडेंट को मिलता है, कितना मिलता है? 1/5 ऑफ लोअर ऑफ एक्चुअल और मैक्सिमम। 1/5 ऑफ लोअर ऑफ एक्चुअल और मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना था? कंपनी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, अदर देन कंपनी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, याद आ रहा है आपको, राइट। फिर हमने बात करी थी 35(dd) इंडियन कंपनी अगर अमलगमिशन डीमर्जर के ऊपर खर्चा करती है इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन ऑन 1/5 बेसिस। 35(dda) दद्दा क्या ले ले? VRS, VRS का डिडक्शन 1/5 बेसिस पे मिलता था। फिर हमने बात करी थी 35(ad) की लास्ट वीडियो के अंदर में कि अगर कोई एसएससी स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर में है तो 100% एक्सपेंडिचर क्या होगा? अलाउ होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्लूड लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, याद आ रहा है आपको? 35(ad) को एक सेपरेट बिजनेस माना जाता है। 35(ad) को क्या कहा जाता है? एक सेपरेट बिजनेस माना जाता है और उसका कंप्यूटेशन ऑल टुगेदर सेपरेटली होता है। लॉस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बिजनेस शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ अ स्पेसिफाइड बिजनेस, याद है आपको? फिर हमने बात करी थी 36 की, जहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी अदर डिडक्शंस की। जब भी आप पीजीबीपी कंप्यूट करते हैं तो यहाँ पे मेन पॉइंट था इंश्योरेंस कंपनसेशन, बैड डेब्ट्स, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एसटीटी सीटीटी विल बी अलाउड एज डिडक्शन, राइट। फिर हमने बात करी थी 37(1) की जनरल डिडक्शन, आधा पीजीबीपी इस सेक्शन के कारण सॉल्व होता है। इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर, इट शुड नॉट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट कवर्ड अंडर 32(36), इट शुड बी रियल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, इट इज नॉट फॉर ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और एनी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, याद आ रहा है? पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट अलाउड एज डिडक्शन, CSR एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड एज डिडक्शन।
फिर हमने बात करी थी सेक्शन 38 की, पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल एक्सपेंसेस की, जो बिजनेस एक्सपेंसेस है उसी को ये वो क्या करेगा, अलाउ करेगा। देन वी हैव डन 48(2), रिलेटिव को अगर कोई भी पेमेंट किया और एओ को लगता है कि ये एक्सेसिव है तो जो एक्सेसिव एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउ हो जाएगा। फिर बात की थी हमने 48(3) की, कैश पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे एक्सीडिंग ₹10,000, खुद ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में अगर 35,000 से एक्सीड करता है द होल ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। अगर सब्सिक्वेंट ईयर में भी आपने कैश पेमेंट किया डिसअलाउ, कोई अग्रीमेंट बना करके भी आप ये कैश पेमेंट करना चाहेंगे डिसअलाउड, याद आ रहा है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन थे जो रूल 6 दीदी के अंदर में क्या थे, मेंशन थे। फिर हमने पढ़ा था 40A7 अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी का ना प्रोविजन अलाउड है ना पेमेंट अलाउड है। फिर हमने पढ़ा था 40A9 अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का ना प्रोविजन अलाउड है ना पेमेंट अलाउड है, याद आ रहा है आपको। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 41 डीम्ड पीजीबीपी। डीम्ड पीजीबीपी के अंदर में हम लोगों ने चार चीजें देखी थी, पहला रेमिसेंट सीजेशन ऑफ एनी ट्रेडिंग लाइबिलिटी इनकम मानी जाएगी, 41(2) बैलेंसिंग चार्ज इनकम माना जाएगा, 41(3) साइंटिफिक रिसर्च असेट को अगर आप सोल्ड कर देते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड इन अदर बिजनेस तो वो पीजीबीपी माना जाएगा, 41(4) बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या माना जाएगा, पीजीबीपी माना जाएगा, याद आ रहा है आपको। फिर हम लोग आगे बढ़े थे, हमने 43CB पढ़ा था, 43CB के अंदर में हमने देखा था कि भैया रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होगा इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लेस देन 90 डेज कंप्लीशन मेथड के ऊपर, मोर देन 90 डेज SLM बेसिस के ऊपर। फिर हमने पढ़ा था 43AA अगर फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस आता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पे तो इट विल बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी और कैन बी अलाउड एज डिडक्शन, बराबर है राइट मालिक। फिर हमने पढ़ा था रूल 9A फिल्म प्रोड्यूसर के लिए था, फिल्म प्रोड्यूसर के केस में अगर आप पूरे राइट सेल कर देते हैं तो जिस साल आपने राइट सेल किया उस साल आप 100% कॉस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं, अगर आप राइट सेल नहीं करते पूरे के पूरे या सिर्फ कुछ पूरे के जगह सिर्फ कुछ एरिया के राइट सेल करते हैं या फिल्म 90 डेज से ज़्यादा रिलीज थी तो उसी साल में पूरा क्लेम कर लो, 90 डेज से कम रिलीज थी तो ऐसे केस में जितना पैसा रिकवर हुआ और कॉस्ट विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन। फिर हमने 35AB, 35AB पढ़ा था, दैट इज टेलीकॉम एंड स्पेक्ट्रम लाइसेंस, याद आ रहा है। टेलीकॉम एंड स्पेक्ट्रम लाइसेंस में जितना अमाउंट पेड किया डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ लाइसेंस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं उसको अमोर्टाइज करते हैं। लाइसेंस अगर सेल हो जाता है, होल लाइसेंस अगर आप सेल कर देते हैं, प्रॉफिट या लॉस अकॉर्डिंगली पीजीबीपी के अंदर में कंसिडर किया जाता है। 35E देखा था हम लोगों ने, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स के केस में जितना एक्सपेंडिचर लगता है उसको 1/10 बेसिस पर डिडक्शन मिलता है ओवर 10 ईयर्स, ठीक है मालिक। तो देखिए पीजीबीपी के अंदर में अब तक के, अच्छा एक और सेक्शन पढ़ा था हमने 43CA, 43CA नाम का सेक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा था। 43CA के अंदर में क्या था याद करके देखो, अगर लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, याद आ रहा है तुम लोगों को। सर इतने सारे सेक्शन कहाँ से याद आने वाले हैं सर, बट उम्मीद करता हूं कि आप इस जो रिविजन को अभी मैंने करवाया इसको 2 से 3 बार, आगे का वीडियो देखने से पहले 2 से 3 बार इसे थोड़ा सा रिवर्स करके वापस से देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो पीजीबीपी के अंदर में अब तक हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 लगभग 40 सेक्शन पीजीबीपी के हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए इस पूरी सीरीज के अंदर में। आई होप यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज और वीडियो को सर प्लीज लाइक कर दीजिएगा, इससे आपको कुछ नहीं बट हमको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये जो सीरीज चालू है जहाँ पे हम लोग पीजीबीपी पूरा का पूरा रिविजन करते हैं, आइए इस सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आइए इस सीरीज को हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज का ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसके अंदर में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखने वाले हैं, रादर इसके अंदर में जितने सेक्शंस हम लोग मोस्टली कवर करेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही होंगे, ठीक है। जिनमें पहला है 43B, इसमें अमेंडमेंट भी आया है फाइनेंस एक्ट 2023 से। अब 43B क्या है, आप जब सेक्शन 36 पढ़ रहे थे तब भी मल्टीपल जगह पे हमने पढ़ा था दिस इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। अब 43B एक्चुअली कहता क्या है, सेक्शन 43B आपसे कहता है कि अगर आप क्या कर रहे हैं कोई प्रोविजन बना रहे हैं, इस प्रोविजन का एक्चुअल पेमेंट यू डू इट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, तो वो प्रीवियस ईयर में ही आप उसका डिडक्शन क्लेम कर लेते हो। इफ द पेमेंट इज मेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तो फिर आपको उसको डिडक्शन जो है वो सब्सिक्वेंट ईयर में क्लेम करना है,
यस और नो। तो लेट से आप बोनस या कमीशन का प्रोविजन बना देते हो ईयर एंड से पहले, और आप ये बोनस या कमीशन एक्चुअली पे कर देते हो रिटर्न की फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले। अब रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या थी 139(1) के अंदर में हम लोगों ने देखा था, या तो जुलाई या तो अक्टूबर, बराबर है कि नहीं। तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले अगर आपने पे कर दिया इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद किया इट विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। अब आइए समझते हैं ऐसे कौन कौन से पेमेंट है। पहला, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर अलाउड ओनली इफ द पेमेंट आर मेड बिफोर फाइलिंग ROI। तो रिटर्न भरने से पहले अगर आपने इसे पे कर दिया तो अलाउ रहेगा, अदरवाइज इट विल बी अलाउड इन द सब्सिक्वेंट ईयर। इफ पेमेंट इज मेड आफ्टर द ड्यू डेट देन डिडक्शन विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। ये ठीक है। अब आते हैं कौन कौन से ऐसे पेमेंट है। पहला, एनी टैक्सेस ड्यूटीज एंड सेस, किसी भी प्रकार का टैक्सेस ड्यूटीज या सेस, फॉर एग्जाम्पल GST, फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपल टैक्स आपने पे कर दिया इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, अदरवाइज इट वॉन्ट बी अलाउड एज डिडक्शन। दूसरा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, न्यू पेंशन स्कीम एटसेट्रा। तो मान लीजिए एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, हमने ये सेक्शन 36 के साथ को रिलेट करके पढ़ा था, इंटरलिंकिंग के साथ पढ़ा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे अगर RPF में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन ओनली इफ इट इज पेड बिफोर द ड्यू डेट। आइए इसको थोड़ा इंटरलिंकिंग करके पढ़वाता हूँ। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे क्या करता है सर, RPF में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जरा बात समझना, एम्प्लॉय के लिए तो ये सैलरी है, एम्प्लॉय के लिए ये सैलरी है याद रखिएगा, एम्प्लॉयर के लिए ये एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस अलाउड है अंडर सेक्शन 36 सब्जेक्ट टू 43B। मतलब सेक्शन 36 आपको डिडक्शन देगा, 43 बोलता है कि रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट से पहले अगर ये एक्चुअली पे हुआ तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो सब्सिक्वेंट ईयर में डिडक्शन मिलेगा। देन बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय, सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन टू एनी PFI दैट इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, शेड्यूल्ड बैंक एटसेट्रा। सीधे शब्दों में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले के पे कर दिया इट विल बी अलाउड, अदरवाइज अलाउड इन द सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट आता है बेटा लीव एनकैशमेंट टू एम्प्लॉय। लीव एनकैशमेंट अगर आप पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को तो उसको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पे करना है। सम पेबल टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ इट्स एसेट, इंडियन रेलवेज को अगर कोई सम पेबल है फॉर यूज ऑफ इट्स एसेट। अब इंडियन रेलवेज के कौन से एसेट हम लोग यूज करते हैं, तो देखिए ये प्रोविजन क्यों लाया गया, ये प्रोविजन लाया गया क्योंकि होता क्या था, बहुत सारे लोग जो इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, पोर्ट यूज करते हैं, राइट, वहाँ पे दुकानें होती है, तो ये लोग क्या करते थे, पेबल दिखा देते थे लेकिन एक्चुअली पे ही नहीं करते थे। तो इंडियन रेलवेज ने पैसे को रिकवर करने के लिए प्रोविजन बना दी कि भैया अगर आपने ड्यू डेट से पहले पे किया तो अलाउड, नहीं तो अलाउड इन द सब्सिक्वेंट ईयर। इस चक्कर में रेलवे के बहुत सारा पैसा निकल गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन और बोराइंग टेकन फ्रॉम NBFC, अगेन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पेबल टू NBFC। इस साल का लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है, इस साल का क्या आया है, लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है, अगर आप MSME को पे कर रहे हैं बियॉन्ड द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन MSME Act, राइट, तो वो अलाउ नहीं होगा। सीधे शब्दों में अगर आप कोई MSME को पेमेंट कर रहे हैं, ये एडजस्टमेंट मुझे लगता है कन्फर्म आएगा, राइट, अगर आप MSME को पे कर रहे हैं MSME एक्ट की ड्यू डेट से पहले पे कर देते हैं, यहाँ पे MSME एक्ट की ड्यू डेट मेंशन्ड है, राइट, MSME एक्ट की ड्यू डेट से पहले पे कर देते हैं इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, MSME एक्ट की ड्यू डेट के बाद पे करते हैं इट विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट, बराबर है। तो सम पेबल टू MSME बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द MSME एक्ट। अब MSME एक्ट के सेक्शन 15 में ड्यू डेट क्या दी हुई है चेक करिए, इज देयर एनी अग्रीमेंट और देयर इज नो अग्रीमेंट। यस, आपने जिस MSME को पेमेंट करना है क्या आपका उनके साथ कोई अग्रीमेंट है कि भैया कितने दिन में आप पे करेंगे, अगर कोई अग्रीमेंट है तो एज पर अग्रीमेंट, एज पर क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए पेमेंट, राइट, एंड अग्रीमेंट में भी जो नंबर ऑफ डेज है वो 15 दिन के ऊपर नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, MSME को जल्दी से जल्दी उनका साइकिल में पैसा आए और MSME इसी तरीके से फ्लरिश हो। तो इस क्या किया गया है, MSME के लिए एक लॉ बनाया है कि MSME को जल्दी से जल्दी पेमेंट करो, अगर कोई अग्रीमेंट है अग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट कर दो, लेकिन उस अग्रीमेंट में भी नंबर ऑफ डेज कितने से ऊपर नहीं होने चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 45 डेज,
ये अग्रीमेंट में भी साइकिल पीरियड कितना होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 45 डेज, क्लियर है राइट। दूसरा, अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो यू हैव टू मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज, यू हैव टू मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज। चलो वापस से सुनते हैं, सम पेबल टू एमएसएमई बियॉन्ड द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15। अगर आप ध्यान से समझेंगे, एमएसएमई को पेमेंट जो करना है वो एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 15 के टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी अलाउड इन सब्सिक्वेंट ईयर। एमएसएमई एक्ट की ड्यू डेट क्या है, डिपेंड करता है कोई अग्रीमेंट है कोई अग्रीमेंट नहीं है। अगर कोई अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ये अग्रीमेंट में भी नंबर ऑफ डेज कितने से ऊपर नहीं होना चाहिए, 45 डेज के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है, द पेमेंट हैज टू बी मेड विद इन 15 डेज ऑफ द ट्रांजैक्शन। बियॉन्ड 15 डेज होगा तो फिर वो क्या होगा, सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर में उसका डिडक्शन मिलेगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल, मार्च में हमें कोई एमएसएमई का पेमेंट करना था, अगर 15 अप्रैल से पहले हमने, मान लो कोई अग्रीमेंट नहीं है, 15 अप्रैल से पहले हमने पे कर दिया, अलाउड एज डिडक्शन। 15 अप्रैल के बाद हम लोगों ने पे किया, इट विल बी अलाउड इन द सब्सिक्वेंट ईयर, इट विल बी अलाउड इन द सब्सिक्वेंट ईयर, बराबर है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक और जगह लिखा है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरेस्ट पेबल टू बैंक या एनबीएफसी इफ इट इज पेड बिफोर द ड्यू डेट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, अलाउड अदरवाइज अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। अब कई बार लोग लोन रिस्ट्रक्चरिंग करते थे, लोन रिस्ट्रक्चरिंग करना मतलब क्या, मान लो इंटरेस्ट पेबल आ रहा है बहुत सारा और ये इंटरेस्ट एक्चुअली पे नहीं हुआ, तो लोग क्या करते थे, बैंक में जाते थे, बोलते थे आप लोन रिस्ट्रक्चर कर दो, इस इंटरेस्ट पेबल को एक आई में कन्वर्ट कर दो, लोन में कन्वर्ट कर दो। बैंक इंटरेस्ट पेबल को लोन में कन्वर्ट कर देती थी, अब लोग क्या करते थे, इसका डिडक्शन क्लेम कर लेते थे, कहते थे अब इंटरेस्ट पेबल तो है ही नहीं, तो इंटरेस्ट पेड हो गया। अगर आप इंटरेस्ट पेबल को लोन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या आपको डिडक्शन मिलना चाहिए बाय एनी चांस, द आंसर इज नो। कोई भी चीज लिखिए, कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इन टू लोन और बोरोइंग और डिबेंचर और अदर इंस्ट्रूमेंट यस विच इज डिफर्ड टू अ फ्यूचर डेट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट। इसे क्या नहीं माना जाएगा, एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाएगा, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट, क्लियर है राइट। इसी के साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक और पॉइंट है वो भी लिखिए, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर पब्लिक प्रिफरेंस शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर पब्लिक प्रिफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी, इट इज नॉट ट्रीटेड एज एक्चुअली पेड। देखिए, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्चुअली पेड। तो डिबेंचर या प्रिफरेंस शेयर्स को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं, अब आपका अमाउंट पेबल जो था आपने उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, इसे भी एक्चुअली पेड नहीं माना जाता, इसे भी क्या नहीं माना जाएगा, एक्चुअली पेड नहीं माना जाएगा। तो इंटरेस्ट को आप लोन में कन्वर्ट कर दें, डिबेंचर या प्रिफरेंस शेयर्स को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर दें, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्चुअली पेड, लिखो। और एक बार 43B पूरा पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। Done है सर, चलो दैट वॉज सेक्शन 43B, इसको लिखेंगे एक साथ लिखेंगे, बढ़ते हैं आगे सेक्शन 40A की बात कर लेते हैं। सेक्शन 40A आपको लिस्ट ऑफ डिसअलाउंसेस देता है दैट सर्टेन एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी। यस, सर्टेन एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी, इसका लिस्ट आपको सेक्शन 40A देता है। तो कौन कौन से वो खर्चे हैं, पहला है पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट विदाउट TDS, इसे कहा जाता है 40AIA, इसे क्या कहा जाता है, सॉरी 40AI, इसे कहा जाता है 40AI, रेसिडेंट के लिए है 40AIA, रेसिडेंट के लिए है 40AIA, तुरंत उसी के नीचे एक्सप्लेन भी है। अब 40AI क्या कहता है, 40AI कहता है एनी पेमेंट विच इज मेड टू नॉन रेसिडेंट
on which TDS is not deducted or TDS deducted but not paid to the government before filing the return. If the TDS is not deducted or TDS has been deducted but not deposited to the government before filing the return, 100% of such expenditure will be disallowed. 100% of such expenditure will be disallowed. So any payment made to non-resident on which TDS is not deducted or TDS is deducted but not deposited before the due date of filing return, 100% of such expenditure will be disallowed. Yes. So any amount paid or credited to non-resident foreign company if TDS is not deducted or TDS is deducted but not paid till the date of filing return, 100% shall be disallowed. Next aata hai beta 40AIA. IA residents ke liye hai. Similar thing bas resident ke liye. If any payment made to resident on which TDS is not deducted or TDS is deducted but not deposited before the date of filing ROI, 30% of such expenditure will be disallowed. Resident ke case mein 30% disallowed hai. Yaad aa raha hai aapko? Right? So same point, any payment made or paid to resident on which TDS is not deducted, TDS deducted but not paid till the date of filing ROI, then 30% of such sum paid shall be disallowed. 30% of such sum paid shall be disallowed. Yes or no? नेक्स्ट इसी सीरीज में एक और है 40AIB. जब हम लोग इक्वलाइजेशन लेवी पढ़ते रहेंगे तब भी हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, राइट? अब ये इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है? मान लीजिए कोई रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया, राइट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट या ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट एक्सीडिंग ₹1 लाख, तो 6% का इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट होता है एज पर दी फाइनेंस एक्ट. फाइनेंस एक्ट के हिसाब से होता है. तो मान लो अगर कोई आर इसको पेमेंट कर रहा है, एनआर को पेमेंट कर रहा है, किसके लिए? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए या फिर डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स के लिए, बराबर है? एक्सीडिंग ₹1 लाख, तो इक्वलाइजेशन लेवी होता है एट द रेट ऑफ 6%. इक्वलाइजेशन लेवी होता है एट द रेट ऑफ 6%, बराबर है? इफ इक्वलाइजेशन लेवी नॉट डिडक्टेड, अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी को डिडक्ट नहीं किया, 100% क्या होने वाला है सर? डिसअलाउड. 100% क्या होने वाला है सर? डिसअलाउड होने वाला है. तो चेक कर लीजिए, इफ एनी पेमेंट मेड टू एनआर बट इक्वलाइजेशन इज लेवी इज नॉट डिडक्टेड, देन 100% इट विल बी डिसअलाउड. यस सर. मान लीजिए हमने टीडीएस तो पे किया पर रिटर्न भरने के ड्यू डेट के बाद पे किया, तो अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट. इफ टीडीएस इज डिडक्टेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई, देन सच सम शैल बी बीट 100% बीट 30% विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच टीडीएस इज पेड. इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच टीडीएस इज पेड. ये सुनो. चलो आ जाओ. तो 40A लिस्ट ऑफ डिसअलाउंस देता है. पहला 40AIA, दूसरा 40AIA, तीसरा 40AIB, चौथा किसी भी प्रकार का फ्रिंज बेनिफिट टैक्स या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर. सबसे ज्यादा पूछे जाना एडजस्टमेंट यही है, राइट? टैक्स बाय एम्प्लॉयर मेड बाय एम्प्लॉय, टैक्स ऑफ एम्प्लॉयर मेड बाय एम्प्लॉय, देन इट विल बी disallowed while computing PGBP. तो employer ने employee के behalf पे tax pay किया, disallowed. Liability किसकी थी? Employee की. Pay कौन कर रहा है? Employer. Not allowed as deduction. Income tax, wealth tax, dividend. अगर आप income tax pay करते हैं, wealth tax pay करते हैं या dividend pay करते हैं, won't be allowed as deduction. Royalty fees, service charges paid by state government undertaking to state government. अगर मान लीजिए कोई royalty fees या any other sum state government undertaking किसको दे रही है? State government को दे रही है. It will not be allowed as deduction. Don't you think ये drawing जैसा ही कुछ हो गया? State government का undertaking है और pay किसको कर रहे हो? State government को. तो अगर state government undertaking state government को ही royalty fees या किसी भी other नाम से कोई payment कर रही है, not allowed as deduction. Tax on non-monetary perquisite made by employer. Again वही point है. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे क्या किया है? टैक्स पे किया है. इट वोंट बी अलाउड एज डिडक्शन. इट वोंट बी अलाउड एज डिडक्शन. चेक कर लो एक बार 40A की लिस्ट चेक करो. डन है सर.
देखो ये जो है पेज नंबर 18, ये शायद वापस से यहाँ रिपीट हुआ है, तो ये पार्ट आप यहाँ पे कट कर दीजिएगा। ये जो है ये पार्ट वापस से रिपीट हुआ है, तो ये पार्ट आप प्लीज़ कट कर दीजिएगा। इज दैट डन? चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट 44AA। लिखने वाला पार्ट हम पूरा एक साथ करेंगे, ठीक है? 44AA, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी है, ये अकाउंट्स ने तो हमें कभी बताया ही नहीं, अकाउंट्स ने हमें कभी बताया नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी है, लेकिन इनकम टैक्स आपको बताएगा सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी है, मैंडेटरीली कब मेंटेन करनी है। देखिए वॉलेंट्रीली आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी भी मेंटेन कर सकते हैं, मैंडेटरीली आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी है। इन केस ऑफ बिजनेस अगर एसएससी इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है इफ इनकम एक्सीड 2,50,000 और टर्नओवर एक्सीड 25 लाख इन एनी ऑफ द थ्री प्रीवियस ईयर। एनी ऑफ द थ्री होना चाहिए यहाँ पे, एनी ऑफ द थ्री प्रीवियस ईयर और लाइकली टू एक्सीड इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट, राइट? तो अगर एसएससी बिजनेसमैन है इंडिविजुअल या एचयूएफ है, अगर एसएससी बिजनेसमैन है इंडिविजुअल या एचयूएफ है, इनकम 2,50,000 से ऊपर जा रही है या टर्नओवर 25 लाख रुपीज से ऊपर जा रहा है इन एनी ऑफ थ्री बिजनेस ईयर, एनी ऑफ थ्री प्रीवियस ईयर, तो इसके पहले के 3 सालों में से किसी भी एक साल में भी या तो इनकम या तो टर्नओवर का लिमिट अगर क्रॉस कर जाता है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। मान लीजिए जिस साल बिजनेस चालू किया अगर उसी साल ये लिमिट क्रॉस कर देती है तो उसी साल से बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको क्या करनी है, मेंटेन करनी है। मान लीजिए अदर देन इंडिविजुअल एसएससी है, सर अदर देन इंडिविजुअल एसएससी है, अब क्या? अदर देन इंडिविजुअल एसएससी है तो इस लिमिट को चेंज किया गया है, या तो इनकम 1,20,000 से ऊपर होनी चाहिए या तो टर्नओवर 10 लाख रुपीज से ऊपर होना चाहिए, या तो इनकम 1,20,000 से ऊपर होनी चाहिए या टर्नओवर 10 लाख रुपीज से ऊपर होना चाहिए इन एनी ऑफ थ्री प्रीवियस ईयर और लाइकली टू एक्सीड इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट, इन एनी ऑफ थ्री प्रीवियस ईयर और लाइकली टू एक्सीड इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। तो चलो वापस से एक बार देख लेते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में लिमिट कितनी है 2,50,000, 25 लाख। अदर देन इंडिविजुअल के लिए लिमिट कितनी है 1,20,000 और 10 लाख, क्लियर है? प्रोफेशन वालों के लिए क्या है सर? प्रोफेशन वालों के केस में अगर ग्रॉस रिसीट, वापस से बोलना, ग्रॉस रिसीट इन ऑल थ्री प्रीवियस ईयर, इन इफ द ग्रॉस रिसीट इन ऑल थ्री प्रीवियस ईयर एक्सीड 1,50,000 और लाइकली टू एक्सीड इन द ईयर ऑफ सेटअप। तो अगर प्रोफेशन के केस में राइट, इफ द ग्रॉस रिसीट इन ऑल द थ्री प्रीवियस ईयर, अब एक बात ध्यान में रखना, बिजनेस के केस में एनी ऑफ थ्री प्रीवियस ईयर लिखा है जबकि प्रोफेशन के केस में ऑल ऑफ द थ्री प्रीवियस ईयर लिखा है, बराबर है? ये बात पे फोकस कर देना। तो अगर ग्रॉस रिसीट पिछले 9 सालों की 1,50,000 से ऊपर जा रही है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको क्या करनी है, मेंटेन करना है, यस। बाकी सारे अदर केसेस में इफ एसएससी डिक्लेयर लोअर प्रॉफिट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 44AE, BB, BBB, अगर आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं देन स्पेसिफाइड अंडर द प्रिजम्प्टिव सेक्शंस 44AE के अंदर में, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। अगर एसएससी लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है अंडर सेक्शन 44AD, ADA एंड इनकम एक्सीड कर रही है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। तो 44AD और ADA में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी है, 44AD और ADA में बुक्स ऑफ अकाउंट्स तब मेंटेन करनी है जब आप लोअर प्रॉफिट शो कर रहे हैं एंड इनकम भी क्या जा रही है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रही है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करनी है, मेंटेन। हाल फिलहाल में अगर ये दो पॉइंट नहीं समझ में आए होंगे तो इट्स ओके, मेरे को एक बार 44AB पे आन दो तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? अब प्रोफेशन मतलब क्या होता है, ये जो प्रोफेशन वर्ड है ये आपको सेक्शन 44AA के अंदर में डिफाइंड है। प्रोफेशन में कौन कौन आएगा, प्रोफेशन मींस लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन एंड अदर, ये सब किसके अंदर में आएंगे, प्रोफेशनल के अंदर में आएंगे। सर आपने कहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, जी हाँ मेंटेन करनी है, तो बुक्स के अंदर में एग्जैक्टली क्या मेंटेन करना है, राइट? तो बुक्स ऑफ अकाउंट की जो डेफिनेशन है ये आपको दी हुई है सेक्शन 212A के अंदर में। बुक्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड लेजर, डे बुक, कैश बुक, अकाउंटिंग बुक एंड अदर बुक, वेदर इन द रिटर्न फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इन डिजिटल फॉर्म। तो भैया कैश बुक, डे बुक, बैंक बुक आपको क्या करने हैं, मेंटेन करने हैं, लेजर मेंटेन करना है। कोई ये मत बोल देना PNL या बैलेंस शीट करना है क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, यस? अच्छा जी सर, सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल के लिए मेंटेन करनी है, सर 6 असेसमेंट ईयर,
सिक्स असेसमेंट ईयर के लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर द सिक्स ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर. सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया तो पेनल्टी कितनी लगेगी? 25,000 रुपीज एज पर सेक्शन 271A. तो 271A के हिसाब से पेनल्टी लग जाएगी सर आपको 25,000 रुपीज की. यस चलो अब ये तीनों सेक्शन को लिखने का समय आ गया है. सेक्शन सबसे पहले 40 स्मॉल ए फॉलोइंग एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन, 40AI पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट ऑन विच TDS इज नॉट डिडक्टेड और TDS डिडक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट बिफोर फाइलिंग ROI % डिसअलावेंस. AIA payment to resident on which TDS is not deducted, TDS deducted but not paid, 30% disallowance. 40AIB non-deduction oblique payment of equalization levy, 100% disallowance. Income tax dividend wealth tax, tax on non-monetary perquisite made by employer, डन है बेटा. हुआ 40. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. सेक्शन 43B, इसे आप कहते हो एक्चुअल पेमेंट. इफ पेड before the due date of filing ROI, then it will be allowed, paid later
अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट, पहला टैक्सेस, दूसरा बोनस कमीशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आरपीएफ, एसएएफ, पेंशन स्कीम, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एबल टू बैंक ऑब्लिक फाइनेंशियल, डी पेमेंट टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ इट्स एसेट्स, पेमेंट टू एमएसएमई एज पर द डेट अंडर एमएसएमई एक्ट, देर इज नो अग्रीमेंट, देर इज अग्रीमेंट, देर इज नो अग्रीमेंट, मैक्सिमम अप टू फिफ्टीन डेज, देर इज एन अग्रीमेंट एज पर द अग्रीमेंट नॉट एक्सीडिंग 45 डेज, यस और पॉइंट नोट के फॉर्म में लिखना, एफ पॉइंट लिख ही दो, लीव कैश में नोट के फॉर्म में लिखना है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर ऑब्लिक प्रेफरेंस इनटू इक्विटी will not be treated as paid. Next, conversion of interest payable into loan not treated as paid.
ये हो गया 43B। अब आते हैं 44AA। अकाउंट्स बिजनेस प्रोफेशन अदर्स, इफ क्रॉस रिसीट इन ऑल थ्री प्रीवियस ईयर एक्सीड ₹1,50,000 और लाइकली टू एक्सीड इन द ईयर ऑफ सेटअप, इंडिविजुअल और क्लिक एच यू एफ अदर्स, इफ इनकम एक्सीड 0.5 लाख या टर्नओवर एक्सीड 25 लाख इन एनी ऑफ दी प्रीवियस ईयर, इफ इनकम एक्सीड 1.2 लाख और टर्नओवर एक्सीड 10 लाख इन एनी ऑफ थ्री प्रीवियस। Likely to exceed the year of setup, others के केस में केस ऑफ 44A, 44B, 44BB इफ शोज लोअर प्रॉफिट, इन केस ऑफ 44AD, 44ADA इफ चूज द लोअर प्रॉफिट और लोअर प्रॉफिट एंड इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो यहां तक का हम लोगों ने पढ़ा और देख, चलिए एक मिनट मैं नीचे देख लेता हूँ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक जोड़ा हुआ है क्या।
तो अपन इधर से ना ले करके कुछ क्वेश्चन एड से ले लेंगे। आ जाओ, कुछ क्वेश्चन बैंक से उठाते हैं क्वेश्चन को, बराबर है? क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक से उठाते हैं। एक तो ये सब मिक्स्ड क्वेश्चन है ना, ये देखना बनता है। डन। देखिए, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, काय के ऊपर बेस्ड है? 43B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर। हरी एन इंडिविजुअल कैरिड ऑन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज लाइक पैडी, वीट एट्सेट्रा। ही बोरोड अ लोन फ्रॉम आंध्रा बैंक एंड इंडियन बैंक एंड हैज नॉट पेड द इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट की डिटेल यहाँ पे इन टोटल 45 लाख दी हुई है। बोथ APFC एंड इंडियन बैंक वाइल रिस्ट्रक्चरिंग द लोन फैसिलिटी ऑफ हरी ड्यूरिंग द ईयर 23-24 कन्वर्टेड द अबाव इंटरेस्ट पेबल टू देम एज लोन पेबल इन 60 इंस्टॉलमेंट। तो इंटरेस्ट पेबल को उनने काहे में कन्वर्ट कर दिया सर? लोन में कन्वर्ट कर दिया। इंटरेस्ट पेबल को काहे में कन्वर्ट कर दिया? लोन में कन्वर्ट कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड हरी पेड 5 इंस्टॉलमेंट एंड 3 इंस्टॉलमेंट टू इंडियन बैंक, बराबर है? इन टोटल कितने इंस्टॉलमेंट पेड हुए? 5 APFC को और 3 इंडियन बैंक को। इन टोटल कितने में कन्वर्ट हुए थे? 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 45 लाख डिवाइडेड बाय 60, एवरी इंस्टॉलमेंट ऑफ 75,000 ईच। इन टोटल कितने पेड किए? 8, बराबर है? कितना डिडक्शन मिलना चाहिए? पहली बात तो 45 लाख कन्वर्टेड इन टू लोन विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। हालांकि जो एक्चुअली पेड है उसका तो डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं, बराबर है? अब 45 लाख इन टोटल इंटरेस्ट था डिवाइडेड बाई 60 जो इक्वल इंस्टॉलमेंट में आए, मतलब 75,000 आया। इसमें से एक्चुअली 8 पेड हुए, जो एक्चुअली पेड हुआ इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो आपको इन टोटल 6 लाख का डिडक्शन मिलना चाहिए। हरी क्लेम्ड द एंटायर इंटरेस्ट ऑफ 45 लाख एज एक्सपेंडिचर वाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ कमोडिटी। डिस्कस द क्लेम इज वैलिड? नो, द क्लेम इज नॉट वैलिड। द क्लेम इज नॉट वैलिड। मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगा वो आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। अच्छा, अब इक्वल इंस्टॉलमेंट 60 ईच है क्या, हमें वो समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो 25,000 का ईच इंस्टॉलमेंट आएगा APFC को, और 30 लाख डिवाइडेड बाय 60, 50,000 का आएगा इनको, रिपेबल इन 60 इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी, दोनों को है। इसके कितने पे किए? 5। इसके कितने पे किए? 3। तो 25,000 इंटू 5 ये आया 1,25,000, 50,000 इंटू 3 ये आया 1,50,000। टोटल डिडक्शन 6 लाख नहीं होगा, टोटल डिडक्शन मैं समझ रहा था इन टोटल 60 है, वो ईच के 60 है क्योंकि ये दोनों अलग अलग दिए हैं। 125 प्लस 150, 275 का टोटल डिडक्शन आएगा। चेक करिए वर्ड्स, पहले 43B बताना पड़ेगा, फिर हमें लिखना पड़ेगा कि भैया इंटरेस्ट पेड का डिडक्शन किस तरीके से दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू 43B, एनी इंटरेस्ट पेबल ऑन द टर्म लोन टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनी इंटरेस्ट पेबल ऑन एनी लोन एडवांस टू शेड्यूल बैंक शैल बी अलाउड ओनली इन द ईयर ऑफ पेमेंट एंड सच इंटरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाई द असेसी। यस, कन्वर्जन ऑफ अनपेड इंटरेस्ट इन टू लोन शैल नॉट बी कंस्टिट्यूटेड एज एक्चुअल पेमेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 43B। इन दिस केस हरी हैज अनपेड इंटरेस्ट ऑफ 15 लाख एंड 30 लाख एंड वॉज कन्वर्टेड इन टू लोन, बराबर है? द डिडक्शन शैल बी अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रीपेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर अकॉर्डिंगली। 15 लाख के 60 इंस्टॉलमेंट, 5 पे किए तो 1,25, 30 लाख के 60 इंस्टॉलमेंट, 3 पे किए तो 1,50। इन टोटल डिडक्शन कितना होगा? 2,75,000। प्लेन इंग्लिश में लिखना है, 43B मेंशन करना है, बराबर?
नेक्स्ट एक और बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखते हैं। ये 35 AD पे बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पास्ट एग्जाम में भी था और ये आपके मॉड्यूल के अंदर में भी है। ABC लिमिटेड इज अ कंपनी हैविंग टू यूनिट। यूनिट ए कैरीड ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस एंड ऑपरेटिंग ऑफ वेयर हाउस ऑफ शुगर। यूनिट बी कैरीड ऑन नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है, एडिबल ऑयल का। यूनिट ए कमेंस द ऑपरेशन इन 22 एंड क्लेम द डिडक्शन ऑफ 100 लाख फॉर परचेज ऑफ टू बिल्डिंग 50 लाख ईच एंड अंडर सेक्शन 35 AD। हाउएवर इन फेब्रवरी 24 यूनिट ए ट्रांसफर्ड वन ऑफ इट्स बिल्डिंग टू यूनिट बी। 8 साल के अंदर ही ट्रांसफर कर दिया स्पेसिफाइड बिजनेस ने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को। याद आ रहा है क्या आपको? क्लेम्ड इनकम माना जाता है जितना डिडक्शन क्लेम किया था माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन। प्रोविजन याद है आपको? तो आपने डिडक्शन कितना क्लेम किया था ईच बिल्डिंग का? 50 लाख। इसमें से आपने 35 AD के अंदर में 50 लाख क्लेम किया था। अब 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। बिल्डिंग है मतलब 10% डेप्रिसिएशन। ये डीम्ड पी आपका 45 लाख रुपीज़ आ गया। बराबर है? डीम्ड PGBP कितना आ गया आपका? 45 लाख रुपीज़ आ गया। ABC लिमिटेड हाउएवर कैन क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर 32 ऑन द बिल्डिंग इन यूनिट बी। यूनिट बी में जो बिल्डिंग गई है उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे। वो आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। तो आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या बन जाएगा? 45 लाख। जितना इनकम यहाँ पे आप PGBP में टैक्स कर रहे हो इसी को आप क्या मान लोगे? एक्चुअल कॉस्ट मान लोगे 43(1) के अंदर में। यस, पर याद रखना होगा इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD इज नॉट अलाउड। कुछ और क्वेश्चन भी ले रहा हूं मैं। क्वेश्चनेयर के ऊपर अपन ने लिख रखा है कि ये काय पे बेस्ड है। एक बार आपके सारे सेक्शन हो जाए उसके बाद अपन मस्त तो उसको कॉल करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 26 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। ये वो अमलगमेशन पे बेस्ड था लास्ट वीडियो के अंदर में। ये मिल नहीं रहा था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। टीपी पे बेस्ड है। स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन 44AA पे है उसको ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे नहीं मिला, हम मॉड्यूल में चले जाएंगे आप जानते हैं। क्वेश्चन है छोटा सा है पर अच्छा है। मैं CA फाइनल के मॉड्यूल में जा रहा हूँ। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन CMA फाइनल में भी है। ये PGBP को अडॉप्ट करते हैं। इफ रॉन्ग, क्वेश्चन का नाम है विनोद। यस मिल गया, लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ योर न्यू मॉड्यूल, सेम क्वेश्चन CMA वालों के लिए भी है। क्वेश्चन 44AA पे बेस्ड है, चेक करते हैं। विनोद इज अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज अ फिल्म आर्टिस्ट। हिज ग्रॉस रिसीट फ्रॉम द प्रोफेशन फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स इज 1,15,000, 1,80,000, 2,10,000। वॉट इज हिज ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द असेसमेंट ईयर?
44AA की अगर मैं बात करूँ, सारे बच्चे सब लोग सोच करके बताना, 44AA की अगर मैं बात करूँ, प्रोफेशनल की अगर मैं बात करूँ, ग्रॉस रिसीट इन ऑल थ्री प्रीवियस ईयर, ग्रॉस रिसीट इन ऑल थ्री प्रीवियस ईयर मस्ट एक्सीड 1,50,000। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ग्रॉस रिसीट इन ऑल थ्री प्रीवियस ईयर क्या 1,50,000 से ऊपर जा रही है? द आंसर इज नो। अगर पिछले तीनों सालों की, तीनों फर्स्ट ईयर में 1,15,000 है, तीनों सालों की अगर किससे ऊपर नहीं जा रही, 1,50,000 से ऊपर नहीं जा रही, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यस, यहाँ पे वापस से प्रोविजन लिखी है, इस ग्रॉस रिसीट इन ऑल थ्री प्रीवियस ईयर मस्ट एक्सीड 1,50,000। इन द प्रेजेंट केस विनोद एज अ फिल्म आर्टिस्ट, राइट, नॉट एक्सीडेड 1,50,000, द रिक्वायरमेंट ऑफ 44AA टू कंपल्सरीली मेंटेन द प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नॉट एप्लीकेबल। हालांकि वॉलेंट्रीली वो करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। यस, वॉलेंट्रीली अगर वो करना चाहे, सो दैट यू नो एओ को वो क्या कर सके, एक इंफॉर्मेशन दे सके कि हाउ इनकम इज कंप्यूटेड, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये था हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड, एक लिया 43B के ऊपर, एक लिया 44AA के ऊपर, एक 40A के ऊपर, तो वो मिक्स करके आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा, वो मिक्स करके आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। ऑडिट, सभी लोग जानते हैं सीए फाइनल में अब पूरा का पूरा टैक्स ऑडिट एक चैप्टर जुड़ चुका है। सेक्शन 44A भी आपको बताता है कौन कौन से सिचुएशन में आपको टैक्स ऑडिट करानी जरूरी है। सेक्शन 44A भी आपको बताता है कौन कौन से सिचुएशन में आपको टैक्स ऑडिट करानी जरूरी है, बराबर है। दूसरा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट आपको एक सेपरेट चैप्टर में दिया है, दैट इज टैक्स ऑडिट, जो बिल्कुल हम क्या करेंगे साथ साथ में देखेंगे, इसी के बाद ही हम साथ साथ में टैक्स ऑडिट का चैप्टर भी कर लेंगे जैसे हमारा पीजीबीपी खत्म होता है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि अगले पार्ट तक के मुझे ऐसा लगता है कि पीजीबीपी मोस्टली खत्म होगा, कंसेप्ट वाइज पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम एंड आंसर्स जो है हम लोग वो इसके साथ लेंगे, कुछ टोटल इनकम के क्वेश्चंस है वो भी हम लोग कवर करेंगे आगे चल के, ठीक है। और एक बार आपका पीजीबीपी खत्म हो गया ना, तो आप मान करके चलो मैक्सिमम केसेस में मैक्सिमम चैप्टर जो है वो पीजीबीपी से कनेक्टेड टॉपिक है, जिनमें कोई अमेंडमेंट ही नहीं है। यस, जिनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, राइट, तो मतलब उसको तो अपन फटाफट अपलोड करेंगे उस वीडियो को, क्योंकि वो लास्ट टाइम भी रिकॉर्डेड था, तो उन टॉपिक के अंदर में तो अमेंडमेंट भी नहीं है, तो वो फटाफट क्या कर देंगे अपन, अपलोड कर देंगे पीजीबीपी के बाद, राइट। तो वो टॉपिक के अंदर में क्योंकि अमेंडमेंट नहीं, आप जैसे देखेंगे आप टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट, फिर आप देखोगे अपना यू नो टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, टैक्सेशन ऑफ AOPBOI, ये तो अपन मान करके चलो कि भैया यू नो क्योंकि अमेंडमेंट नहीं है, तो लास्ट वाले वीडियोज अपन फटाफट अपडेट कर देंगे, ताकि आप अपने प्रिपरेशन जो है ये बहुत स्पीड में कर पाएंगे। यस, 44AB टैक्स ऑडिट, ऑडिट कब करवाना जरूरी है? बिजनेस, प्रोफेशन और अदर केसेस अपन ने यहाँ पे लिख रखे हैं, अदर केसेस अपन ने यहाँ पे लिख रखे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये सेक्शन को आप 44AA के बाद बिल्कुल मत पढ़ो, हाल फिलहाल में समझ नहीं आएगा, क्योंकि 44AD 44ADA के अंदर में अमेंडमेंट है, और वो अमेंडमेंट का इम्पैक्ट आपको यहाँ पे भी आ रहा है, वो अमेंडमेंट का इम्पैक्ट आपको यहाँ पे भी आ रहा है। तो हाल फिलहाल में मैं खुद इस सेक्शन को चालू नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले आपको प्रिजम्पटिव इनकम की ओर लेके जाऊँगा, 44AD की ओर लेके जाऊँगा, आना समझना प्रिजम्पटिव इनकम। सेक्शन 44AD इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सेक्शन 44AD इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। प्रिजम्प्टिव इनकम, सर असेसी कौन होना चाहिए? देखो प्रिजम्प्टिव इनकम जो रेसिडेंट से रिलेटेड है वो सारे प्रोविजन अपन यहां पढ़ेंगे, जो नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड है वो अपन कहां पढ़ेंगे? NR टैक्सेशन में पढ़ेंगे। असेसी कौन होना चाहिए? सर असेसी होना चाहिए इंडिविजुअल HUF फर्म, नॉट LLP, इंडिविजुअल HUF फर्म होना चाहिए, LLP नहीं चलेगा। यस,
इंटरलिंकिंग याद दिला देता हूँ, जब हम पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब भी हमने क्या पढ़ा था, जरा देखो आओ इधर, जब हम पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब भी हमने यही पढ़ा था, पर्सन डू नॉट इंक्लूड, ये देखो एक्सेप्ट 44AD, 44AD है, तो पूरे इनकम टैक्स में जहां जहां पे भी हम फर्म बोलते हैं वहां वहां पे LLP इंक्लूड होता है, 44AD, 44ADA के अंदर में फर्म में LLP इंक्लूड नहीं होता, ये बात समझ में आ रही है। चलो इंटरलिंकिंग डन, वापस से PGBP में असेसी कौन होना, इंडिविजुअल HUF फर्म एंगेज्ड इन एनी बिजनेस एक्सेप्ट सी गैप, एंगेज्ड इन एनी बिजनेस एक्सेप्ट सी गैप, कौन से बिजनेस में होना चाहिए सर, कोई भी बिजनेस में चलेंगे एक्सेप्ट सी गैप, सर व्हाट इज सी कमीशन, व्हाट इज जी GTA, व्हाट इज ए एजेंसी, व्हाट इज ई प्रोफेशन, तो कोई भी बिजनेस के अंदर में चलेंगे एक्सेप्ट सी गैप, कोई भी बिजनेस के अंदर में चल जाएंगे सर एक्सेप्ट सी गैप। अच्छा जी सर, टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड्स 2 करोड़, टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड्स 2 करोड़, टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। अब यहीं पे एक अमेंडमेंट आया है, यहीं पे क्या आया है, एक अमेंडमेंट आया है, प्लीज जरा ध्यान से सुनना। अब तक के 44AD के अंदर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, इस 2 करोड़ की लिमिट को इन्होंने क्या कर दिया है, 3 करोड़ कर दिया है। शुड नॉट एक्सीड्स 3 करोड़ इफ, ये देखिए यहाँ द टर्नओवर लिमिट 3 करोड़ इफ द कैश रिसीट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसीट, राइट, तो 3 करोड़ तक के भी टर्नओवर चलेगा इफ कैश रिसीट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसीट। ये इंट्रोड्यूस किया है फाइनेंस एक्ट 2023 ने। तो जनरली 44AD की लिमिट कितनी थी, 44AD की लिमिट थी बेटा 2 करोड़ रुपीस, इस 2 करोड़ की लिमिट को क्या कर दिया गया है, 3 करोड़ कर दिया गया है। अगर आपकी कैश रिसीट 5% ऑफ टोटल रिसीट के ऊपर नहीं है, अगर आपकी कैश रिसीट 5% ऑफ टोटल रिसीट के ऊपर नहीं है, तो 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ तक के आप प्रिजम्प्टिव इनकम को शो कर सकते हो, 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ तक के आप प्रोफेशनल इनकम को शो कर सकते हो, सॉरी प्रिजम्प्टिव इनकम को आप शो कर सकते हो, अगर आपका कैश रिसीट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसीट, अगर आपका कैश रिसीट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसीट, यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो सर प्रिजम्प्टिव इनकम कितनी मानी जाएगी, तो सर प्रिजम्प्टिव इनकम कितनी मानी जाएगी, प्रिजम्प्टिव इनकम शैल बी हायर ऑफ ए प्रॉफिट डिक्लेयर्ड, बी मैक्सिमम लिमिट, सर मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 8% ऑफ टर्नओवर और 6% ऑफ टर्नओवर, 8% ऑफ टर्नओवर और 6% ऑफ टर्नओवर, 8% किस केस में सर, इन जनरल 6% कब, व्हेन द पेमेंट इज रिसीट बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, प्रिजम्प्टिव इनकम शैल बी हायर ऑफ प्रॉफिट डिक्लेयर्ड और मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 8% ऑफ टर्नओवर और 6% ऑफ टर्नओवर, इफ पेमेंट इज रिसीव्ड, इफ पेमेंट इज
रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक्ड ड्राफ्ट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। यस देन आंसर पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई। अब देखना एक और अमेंडमेंट यहाँ आया है, ये 6% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर भी हम लोग कितना कंसिडर करेंगे, वही कंसिडर करेंगे जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले आपको एक्चुअली रिसीव हो गया हो। टर्नओवर भी हम उतना ही कंसिडर करेंगे जितना आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले मिला हो, उतना ही हम टर्नओवर या सेल्स को क्या करेंगे कंसिडर करेंगे। तो असेसी कौन होना चाहिए? असेसी शुड बी इंडिविजुअल एचओएफ और फर्म। कौन सा बिजनेस करना चाहिए? एनी बिजनेस एक्सेप्ट सी गैप। कमीशन नहीं चलेगा, जीटीए नहीं चलेगा, एजेंसी नहीं चलेगा, प्रोफेशन नहीं चलेगा। द टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ भी चलेगा इफ द कैश पेमेंट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल पेमेंट। प्रिजम्पटिव इनकम कितना मानेंगे सर? 8% ऑफ टर्नओवर और 6% ऑफ टर्नओवर और एक्चुअल प्रॉफिट डिक्लेयर्ड इन द पीएनएल विच एवर इज हायर, आपकी क्या मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी। अच्छा सर, अदर पॉइंट्स इस सेक्शन से रिलेटेड मैं आपको याद दिला दूं। पॉइंट नंबर 1, एडवांस टैक्स इज मैंडेटरी, एडवांस टैक्स इज मैंडेटरी। तो आप याद रखिए सर, आपको जो एडवांस टैक्स है ये मैंडेटरी है अगर आप 44AD के अंदर में आते हैं तो। 44AD के अंदर में आते हो, एडवांस टैक्स मैंडेटरी है। यस, दूसरा क्या आपको चैप्टर 6A के डिडक्शन मिलेंगे? चैप्टर 6A के जो डिडक्शन है ये सर आपको अलाउड रहेंगे। सर क्या लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हैं? तो बिल्कुल, इस PGBP इनकम से आप लॉसेस सेट ऑफ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा सर, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के बारे में क्या? क्या पार्टनर्स रेम्यूनरेशन जो सेक्शन 40B के अंदर में कवर्ड होता है क्या वो अलाउड है? द आंसर इज नो, नॉट अलाउड। जब हम प्रिजम्पटिव इनकम लेते हैं सेक्शन 44AD के अंदर में, ऑल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 30-37(1) आर डीम्ड टू बी अलाउड। तो आपको कोई फर्दर डिडक्शन नहीं मिलता, नॉट इवन अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, क्योंकि अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन जो होता है वो सेक्शन 32(2) के अंदर में आता है विच इज कवर्ड अंडर 30-37। तो 30-37(1) के जितने भी डिडक्शन है ये सब आपको डीम्ड टू बी अलाउड होते हैं। तो इनफैक्ट आपको इस PGBP में से अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन में माइनस करने का कोई चांस नहीं है। तो एडवांस टैक्स अगर आप 44AD में आ रहे हैं तो एडवांस टैक्स मैंडेटरी है, चैप्टर 6 के डिडक्शन मिल जाएंगे, सेट ऑफ मिल जाएंगे। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन या कहीं और कोई भी डिडक्शन PGBP का आपको मिलने वाला नहीं है। प्लस आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आप 44AD के अंदर में आ रहे हैं तो आपको 5 साल तक के कंटिन्यूअसली इस सेक्शन में ही अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है। अगर ये 5 साल का चेन कभी भी ब्रेक हुआ तो जिस साल से ब्रेक हुआ वहां से आगे के और 4 साल, इन टोटल 5 साल आप इस सेक्शन में नहीं आ पाएंगे। यस, तो यहाँ पे क्या है सर, एक 5 ईयर कंडीशंस लगाई गई है कि आपको जब भी इस सेक्शन के अंदर में आना है, मैक्सिमम जब भी आप इस सेक्शन में आएंगे कंटिन्यूअसली आपको 5 साल तक की अपनी इनकम को शो करना है। इस 5 साल की चेन को आपने कभी भी ब्रेक किया किसी भी रीजन के वजह से तो आपको क्या करना है सर, अगले 5 साल इस सेक्शन के अंदर में नहीं आना है। यस सर, क्या हम लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते क्या? मतलब आपने कहा 8% या 6% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, लेकिन कई बिजनेस ऐसे रहते हैं जिनमें 8% और 6% तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। साहब मतलब 8% और 6% तो वहां पे होता ही नहीं, 8% और 6% तो वहां पे होता ही नहीं। यस, तो सर क्या लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं? जैसे होलसेल बिजनेस है 2-3% में काम करते हैं सर, तो सर क्या लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हो? सर आप लोअर प्रॉफिट भी डिक्लेयर कर सकते हो। यस,
आपको दो कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस मैंडेटरी हो जाएगा, अगर आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। एंड डू टैक्स ऑडिट इफ इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ेंगे एंड आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, लेकिन ये तभी कराना है व्हेन द इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ये तभी कराना है व्हेन द इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब यहां पे एक और बात समझना, आप आए हो तो आपको कितने साल टिके रहना है, 5 साल। अगर आपने ब्रीच किया, अगर आपने क्या किया, ब्रीच किया, तो 44AD से आप क्या हो जाएंगे, डिबार हो जाएंगे। एंड आपको क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा इफ अगेन इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो अगर आपने 5 साल वाला कंडीशन ब्रीच किया तो आप 44AD से डिबार हो जाएंगे। कितने साल के लिए डिबार हो जाएंगे, फॉर 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए आप इस सेक्शन से डिबार हो जाएंगे। फर्दर आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा इफ द इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा 5 ईयर कंडीशन ब्रीच होने पे इफ द इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इफ द इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। डन है? आओ इधर। असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल HUF फर्म, नॉट LLP। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, ये 2 करोड़ की लिमिट अब 3 करोड़ कर दी गई है। इफ The cash receipt does not exceed 5% of total receipt. बराबर है? Not engaged in the following agency profession, good transport agency, it shall be higher of declared or deemed income. Deemed income कितनी है? 6% of turnover or gross receipt if payment received by account pay check draft during the previous year or before the due date of filing ROI or 8% of turnover. बात समझ में आई? क्या क्या condition है? एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है, डिडक्शन मिल जाएंगे, ATC टू ATU के डिडक्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑल डिडक्शन अंडर 30 to 37 इज डीम्ड टू बी अलाउड, लिखो इज डीम्ड टू बी अलाउड, लिखो, सेट ऑफ हो जाएगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर अलाउड नहीं है, कंटिन्यूसली ऑप्ट करना पड़ेगा 5 ईयर, एल्स ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यस, फर्दर इफ इनकम, मान लो आपने क्या किया, ब्रीच किया, यहां पे लिखो इफ ब्रीच्ड एंड इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो आपको क्या कराना पड़ेगा सर, ऑडिट भी कराना पड़ेगा। क्या आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं? यस, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है एंड ऑडिट भी करवाना है इफ द इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बात समझ में आ रही है सभी को? That was 44AD. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर सीधा, 44ADA. अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं सीधा, 44ADA. क्या था पहले ये याद करो, 44ADA. 44ADA प्रोफेशनल्स के लिए था, यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, इंडिविजुअल और फर्म अगेन LLP नहीं होना चाहिए। यस, कौन से इसमें होना चाहिए, एंगेज होना चाहिए स्पेसिफाइड प्रोफेशन में। प्रोफेशन कहाँ लिखा हुआ है, 44AA के अंदर में लिखा हुआ है प्रोफेशनल का मतलब। हाँ जी, तो ग्रॉस रिसीट कितने से ऊपर नहीं जानी चाहिए, इस सेक्शन में अगर आपको कवर होना है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे भी अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, यहाँ 50 लाख के जगह 75 लाख तक आप प्रिजम्प्टिव इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं इफ द कैश रिसीट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसीट। तो यहाँ पे भी 50 लाख के जगह कितना कर दिया गया है, 75 लाख कर दिया गया है इफ द कैश रिसीट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसीट। बात समझ में आ रही है बात? तो कितना प्रिजम्प्टिव इनकम माना जाएगा, 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट और प्रॉफिट डिक्लेयर्ड विच एवर इज हायर। 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट और प्रॉफिट डिक्लेयर्ड विच एवर इज हायर। क्या आप लोअर प्रॉफिट शो कर सकते हो? यस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है और ऑडिट भी करवाना है अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, राइट? और ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ROI सबमिट होना चाहिए। ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ROI क्या हो जानी चाहिए, सबमिट हो जानी चाहिए। यस, अमेंडमेंट्स ही अमेंडमेंट्स है यार, भर भर के, मतलब आप देखते जाओ सिर्फ इतने सारे अमेंडमेंट्स आपको दे रखे हैं। 44ADA, इसकी अदा प्रोफेशनल्स की अदा,
बराबर है, किसकी अदा, प्रोफेशनल की अदा। असेसी कौन होना चाहिए सर, असेसी इंडिविजुअल, एच ओ ओ इंडिविजुअल और फर्म, तो क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना, एंगेज्ड इन प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब कहाँ लिखा है 44AA के, ठीक है। कितना प्रिजम्प्टिव इनकम माना जाएगा, प्रिजम्प्टिव इनकम इज इक्वल टू हायर ऑफ ए प्रॉफिट डिक्लेयर्ड, बी 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट, बराबर है। तीसरा, ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड 50 lakhs और 75 lakh इफ कैश रिसीट डज नॉट एक्सीड्स 50% ऑफ टोटल रिसीट। इफ द कैश रिसीट डज नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल रिसीट, बराबर है। देन है सर, अब ये आपका फाइनेंस एक्ट 2023 का अमेंडमेंट, ठीक है। अच्छा जी, अदर कंडीशन क्या है, अदर कंडीशन क्या है, अदर कंडीशन बिल्कुल सेम है। पॉइंट नंबर वन, एडवांस टैक्स क्या है, मैंडेटरी है, मतलब जो 44AD ADA के अंदर में आएगा, एडवांस टैक्स मैंडेटरी है। ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 32-37(1) डीम्ड टू बी अलाउड, सारे डिडक्शन डीम्ड टू बी अलाउड किए गए। हालांकि जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के हैं, ये आपको क्या किए गए हैं सर, अलाउ किए गए हैं। या आप लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हो, बिल्कुल लॉसेस सेट ऑफ कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। क्या आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हो, यस। क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा एंड आपको क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट। इफ इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यहां पे भी वही पॉइंट लिखा हुआ है जो 44AD में लिखा हुआ था, बराबर है। यहां पे भी वही पॉइंट लिखा हुआ है जो 44AD के अंदर में लिखा हुआ था, चेक कर लेना। एक लास्ट पॉइंट बनता है, क्या पार्टनर्स रेम्यूनरेशन अलाउड है, तो सर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन जो है ये नॉट अलाउड है। 44AD A, यस। तो आज हमने जितना भी सीरीज लिया इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है PGBP के। आज का आपका टास्क ये है, ये वीडियो देखने के बाद, कि इन सारे सेक्शंस को एक बार गो थ्रू करना है आपको। जितने क्वेश्चनेयर के अंदर में क्वेश्चन हैं, ये आपको एक बार सॉल्व करने हैं। पॉसिबली आप मॉड्यूल भी देख रहे हो, तो मॉड्यूल के अंदर भी आपको कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है। अगले वीडियो के अंदर में मैं बैलेंस सेक्शन ऑफ PGBP ले लूंगा, जिसमें से एक या दो इंपॉर्टेंट है और बाकी के नॉन इंपॉर्टेंट वाले सारे के सारे हम लोग खत्म कर देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले वीडियो तक के आपका PGBP का जो पार्ट है, इंक्लूडिंग द ICDS वाला जो पार्ट है, ये हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, यस और नो। और फिर साथ साथ में प्रॉब्लम प्लस टैक्स ऑडिट वाला कंसेप्ट को हम लोग चला लेंगे। धन्य बेटा, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के अंदर में। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और हां, पढ़ना बिल्कुल मत भूलना बेटा, साथ साथ में मेरे साथ कंप्लीट कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। मिलता हूं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।